अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। व्यूअर्स कैसे हैं आप? अच्छा व्यूअर्स, आज हमने आपसे दो बात। पहली बात ये कि इलम किताबों से लिया जा सकता है या उसातदा से ही लिया जा सकता है, और दूसरी बात कुछ तो बात, दो चीजें। पहली बात हम ये डिस्कस करेंगे कि किताबों से इल्म लिया जा सकता है या इल्म को उसाध्या से लेना चाहिए। दूसरी बात जो हम बर्दाश्त वो करेंगे डिस्कस, वो ये है कि कुछ तो बर्दाश्त हो। तो इससे पहले कि हम अपनी तफसील या डिटेल की तरफ जाएं, वही रूटीन वाली रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ जो व्यूवर्स हैं, खास तौर पे उनसे, चाहे वो नए व्यूवर्स हैं या पुराने व्यूवर्स हैं, वो कोशिश करके जब वीडियो देख लेते हैं उनका बहुत ही शुक्रिया, हम उनके बहुत ममनून हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है उनसे, वो क्या वीडियो पसंद आती है, लाइक जरूर। और अगर लाइक नहीं कर सकते ना, तो जिस वजह से लाइक नहीं कर रहे कोई चीज कमेंट में लिख दिया, ताकि हम आइंदा से उस चीज को अवॉइड करें या उसको चेंज करें, या आपके कमेंट के मुताबिक चलें तो आप नेक्स्ट टाइम उसको देखें। अच्छा, कुछ मेरा एक दोस्त है, वो मुझे कहने लगा कि देखो आप कमेंट का कहते हो, लाइक का कहते हो, डिसलाइक का तो आप कहते ही नहीं। तो डिसलाइक का ये है कि जो समझता है ना कि बात कमेंट तक नहीं है, सारे का सारा ही खराब है काम, उसे चाहिए कि वो चलाए, साइड पे रख दे, बस चलने दे। हमें इससे बहुत फायदा होगा। उससे क्या होगा कि YouTube को पता चलेगा कि कंटेंट देखा जा रहा है, वो हमारे व्यूवर जो है वो रीच ज्यादा करते हैं, तो हमें जो है वो फन करने वाले और मिल जाएंगे। उसका यही फायदा हमारे लिए काफी है। लेकिन फिर वो ही कि लाइक जरूर करें, लाइक नहीं कर सकते तो कमेंट करके बताएं कि इस वजह से हम लाइक नहीं कर सकते। अभी तक बहुत सारे कमेंट आए लेकिन किसी ने ये वजह नहीं लिखी कि इस वजह से हम लाइक नहीं कर सकते। ये लिखा है ऐसा करें, वैसा करें, आप ऐसा करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। बहरहाल जी, बहुत टाइम हो गया, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये हमारा टॉपिक ये था, सबसे पहले जो चीज है वो इलम क्या किताबों से लिया जा सकता है या उसातदा से ही लेना चाहिए। दूसरी चीज वो ये है कि क्या, दूसरी चीज ये है कि कुछ तो बर्दाश्त है। अच्छा, अब एक चीज, सबसे पहली चीज, क्या इलम किताबों से लिया जा सकता है या नहीं। मैं एक मिसाल से बातें करूंगा और मेरा ख्याल है इस मिसाल के बाद कम अज कम ये मामला, ये मसला, ये जो भी टेंशन है आपके दिमाग से खत्म हो जाएगी। वो क्या है, वो सबसे पहले ये चीज है, आप लोग अपनी कबर्ड को देखें, आपकी जो कपड़ों वाली अलमारी है उसी को आप देख रहे कबर्ड में होता क्या है। धोबी के पास आपके कपड़े धोने के लिए गए, या घर में ही धोबी का क्यों लाया और कपड़े धो लिए। अब धोने के बाद खुश हुए, उन सबको ला के इकट्ठा किया और डोडा बना के उसमें दराज में डाल दिया, या कबर्ड के खाने में डाल दिया। दूसरा आपने क्या किया, ये किए है कि वही जब धोबी की तरफ से सूट आए, उनको अच्छे से प्रेस किया, प्रेस करके उसकी तहें लगाई, तहें लगा के अब वो लेयर्स वाइज उसमें खानों में रख दिया। अब इससे फायदा क्या हो, कपड़े भी वही जो मरुदा बना के हमने रखे थे तब भी वही थे, अभी जो हमने वो प्रेस किए हुए बकायदा तहें लगी हुई रखे हैं वो भी वही हैं। फायदा इससे क्या होगा, वो जो मरुंडा बनाए हुए कपड़े रखे हैं ना, जब भी आपको जरूरत होगी उन कपड़ों की, वो आप क्या करेंगे, वो एक दफा फिर निकाल लेंगे, उसमें से छांटी करेंगे, अपनी पसंद का कपड़ा उठाएंगे और बाकियों को फिर उठाया मरुंडा बना के उसमें छोड़ दिया।
अब वो जो कपड़ा निकाला था उसको आप प्रेस करेंगे, पहले सेट करेंगे, उसके बाद उसको पहनेंगे या उसकी प्रेजेंटेशन बनेगी। इसी के मुकाबले में जो दूसरा था जिसको आपने पहले से प्रेस करके उसको बकायदा तह लगा के उसमें रखा हुआ था, जब भी आपको जरूरत होगी वो आप उसको निकालेंगे। एक तो चूज करना बड़ा आसान होगा, सबको उठा के बाहर नहीं रखना पड़ेगा, आपने उसमें से निकाला, निकाल के उसको रेडी टू वियर, या अगर हैंड भी किए हुए हैं फिर भी रेडी टू वियर। यानी एक तरतीब है, एक क्या है तरतीब है, प्रॉपर उसके रखने का तरीका है। यही चीज है, यही मिसाल है, इलम जब आप लेते हैं ना किताबों से तो उससे होता क्या है, उससे होता यह है कि आपने वो जो कपड़ों की मैंने वो मुरुंगा बनाई हुई गठली की मिसाल दी ना, वही मिसाल है। आपने वो वाली बुक पढ़ी, पकड़ी फेंकती पढ़ी पढ़ी, यानी वो आपका मुरुंडा इकट्ठा हो गया। अब जब भी आपको इलम चाहिए होगा, जब भी उसका फायदा उठाना होगा, वो क्या करना पड़ेगा, एक दफा फिर सारी गठरी निकालनी पड़ेगी, उसमें से अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक पहले चूज करना पड़ेगा, उसके बाद उसको फिर पॉलिश करना पड़ेगा उस इलम को, उसके बाद आप किसी को प्रेजेंट कर सकें। ये है किताबों से लिया गया। दूसरा इलम है जो उस्तादा से लिया गया है। अच्छा, उस्तादा से इलम, उस्तादा कहाँ से इलम देते हैं आप? क्या तमाम साज़ा आज वाले जो हैं वो अम्बिया के नाम है? नाउज़ बिल्लाह। क्या तमाम के ऊपर वही आती है? नाउज़ बिल्लाह, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वही आने का सिलसिला हमारे प्यारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बंद हो गया, उसके बाद वही का सिलसिला नहीं है। अब इलम लिया जाएगा तो साज़ा से लिया जाएगा। अच्छा, साज़ा से लेने का फायदा क्या है? साज़ा ने भी किताबों से ही पढ़ाना है आपको, लेकिन सिर्फ इस मिसाल को अपने ज़हन में रख लें कि साज़ा इलम हो सकता है जो आपने किताबों से पढ़ा वो ही इलम साज़ा आपको देंगे, लेकिन उसमें होगा क्या? वो गठरी बनाई हुई मिसाल आपको मैंने मरुंडा बनाई हुई मिसाल बता दी, दूसरी मिसाल वो है कि आपने बकायदा उसको प्रेस करके हैम करके रखा या लेयर में रखा रेडी टू यूज। साज़ा से लिया गया जो है, आप इस मिसाल से खुद देख सकते हैं कि कौन सा है, ठीक है? तो ये एक छोटी सी मिसाल के लिए मैंने समझाने की कोशिश की, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें भी दो नंबरी है, इसमें भी दो नंबरी है। ये मिसाल लोगों को समझ आए तब भी ठीक है, नहीं आए तब भी ठीक है, लेकिन इसमें दो नंबरी क्या है? दो नंबरी ये है कि देखिए, यही मिसाल जब हम पेश करते हैं ना दुनिया की किसी फील्ड में, मसलन किसी इंजीनियरिंग की फील्ड में पेश करेंगे, कोई भी इंजीनियरिंग तो यार बहुत एक वसी फील्ड होगी ना, आप थोड़े छोटे लेवल पे आओ, घर में आपके मिस्त्री लगा हुआ है, जो मिस्त्री काम कर रहा है, मिस्त्री जो है वो उठ के आए ना, वो कहे यार मैंने फुलानी किताब पढ़ी थी, उसमें मैंने पढ़ा था कि कैसे ईंट को रखते हैं, कैसे उसके ऊपर हम जो है वो फिर मसाला रखते हैं, फिर ईंट को रखते हैं और हम बना लेते हैं। आप उसको यार अपना घर बनाने के लिए नहीं रखते, आप उसको भेज देते हो कि जाओ यार तुमने किसी उस्ताद से सीखा है, मेहनत की है तो फिर आ जाओ, अगर उस्ताद से नहीं सीखा तो इन किताबों का पढ़ा हुआ हमें नहीं चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, वेल्डर है एक घर में, हमें खिड़कियां बनवानी है, दरवाजे बनवाने हैं, हमें एक वेल्डर की जरूरत पड़ती है। हम उधर क्या करते हैं, एक बंदा उठ के आता है, आगे जाता है, यार मैंने फुलानी किताब में वेल्डिंग के स्टैंडर्ड पढ़े थे, वो ये स्टैंडर्ड थे, ये उसका मेथड था, ये जो है उसकी सारी ऑर्डर तरतीबें आपको बता देता है। आप कहते हैं नहीं, आप हाँ उसके पास जरूर चले जाओगे, उस फुलाने बंदे के पास जाने, हमने काम करवाना, क्यों? वो फुलाने का शागिर्द है। यानी बात ये है कि उसने उस्ताद से सीखा तो आप उसको लेके आ गए। फिर इंजीनियरिंग फील्ड में आप देखो, आप कोई भी घर बैठे किताबें पढ़ के इंजीनियर नहीं बनता, वो क्या करता है, बकायदा यूनिवर्सिटी में जाता है, टीचर्स एक टीचर नहीं बल्कि उसमें अगर 35 सब्जेक्ट है तो 35 स्पेशलिस्ट टीचर से जो है वो पढ़ता है, उसके बाद जाके फिर वो अभी इंजीनियर नहीं।
ठीक है। वो अब भी कहता है कि जब मैं मार्केट में जाऊंगा, फील्ड में वर्क करूंगा, उसके बाद जो है मैं सही इंजीनियर बनूंगा। डॉक्टर के देख लें 30 से 40 सब्जेक्ट है, तो 30 से 40 सब्जेक्ट में भी हर सब्जेक्ट के टीचर चेंज ना हो, लेकिन कम से कम 10-12 टीचर तो उसके भी होते हैं। तो फिर वो सिर्फ वही नहीं, उसके बाद वो उसको प्रैक्टिस में, इन प्रैक्टिस इंडोर प्रैक्टिस में, फिर इसी तरह जो है वो ड्यूटियां लगती हैं डिफरेंट, फिर जाके उधर इनके टीचर होते हैं, उसके बाद जाके पता चलता है कि ये डॉक्टर बन गए। लेकिन अब इसमें दो नंबर की क्या चीज है, किसी को मोटिवेशनल बनना है, किसी को नसीहत करने वाला बनना है, किसी को जो है वो इलम हासिल वो आलिम बनना है, वो क्या करता है, उसके 2-4 किताबें पढ़ता है और क्या कहता है कि हम जो है वो बड़े जबरदस्त जो है वो मशवरा बांटने वाले बन गए हैं, हम जो है वो आलम बन गए हैं, हम जो है वो खुद, यानी कि हक्कर अपने आप को किससे की किताबें पढ़ ली हैं हमने, ये वाली ये किताब तो ऐसे है, ये किताब ऐसे है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और साजा से ही पढ़ा जाएगा, अगर ये मैं आपके सामने बैठा हूँ ना टी ब्रेक कर डिस्कस करने के लिए। अच्छा, टी ब्रेक जो है वो आप क्या समझते हैं कि ये क्या चीज है, क्यों मैं आपके सामने ब्रेक तो हर कोई करता है, चाहे वो टी के लिए करे, किसी भी वजह से करे। मुझे कमेंट भी आया था इस चीज का कि दुनिया तो जी अब फास्ट जा रही है, एक एक 2-2 मिनट वो गाने सुनती है या टेक्निकें देखती है या रेमेडी या हैक्स देखती है। आप जो है वो टी ब्रेक 15 से 20 मिनट की जो ब्रेक होती है वो आप लेके बैठती हैं लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, तो ये कैसे मुमकिन होगा, ये मुमकिन होना चाहिए और ऐसे होगा भी। अभी मैं बैठा हूँ आपके सामने बात कर रहा हूँ, हालांकि टी ब्रेक है, ये कोई वाज नहीं है, ये कोई नसीहत नहीं है इसमें, ना ही इसमें कोई इलम की बात है, कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ ये है टी ब्रेक में हमने एक टाइम जाया करना, गया करना है या उसको काम में ले गया है। वैसे बैठूंगा मैं, अगर चाय भी पी रहा हूँ या कोई बैठा सिगरेट पी रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो वैसे टाइम जाया कर रहा होगा, क्या जाया कर रहा होगा, या तो कोई वो चीज टिकटॉक वगैरह मोबाइल पे देखेगा, या बैठा जेन में खदशात पा रहा होगा कि यार वो फलाना जरा वो मेरे बारे की सोच, फलाना जरा वो साजिशी लग, फलाना जरा ना यार उन्हें मोबाइल की सी क्यों चाहिए, यानी बैठे हम सोचते हैं उसको फायदा मंद बनाने के लिए, चले और कुछ नहीं। इसमें आपको मैं कभी कभी हंसीब की बात भी बता दूंगा, कभी कभी खबर की बात भी बताया करूंगा, कभी कभी आपको इलम की बात भी बता दिया करूंगा। अच्छा, सिर्फ इलम की बात के लिए अब मैं आपकी बात करता हूँ, तो सिर्फ इलम की बात के लिए क्या मैं किताबें फटके से बैठ के, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी मैं बात करूँ वो टीचर्स की दी हुई बात, साजा से लिया हुआ इलम बात करूँ, वैसे बात। दूसरा, अगर कोई फनी चीज होगी या खबर होगी, मैंने पिछले वीडियो में आपको एक खबर दी थी, तो खबर मैंने कैसे दे दी थी, खुद से दे दी, नहीं खुद से कहीं से पढ़ के दे दी, नहीं कायदा मैंने आपको बंदे का बताया जी वो बंदा है इस खबर का उस्ताद, वो है वो उस्ताद, आगे हो सकता है उसको कुछ वो गलती भी लग सकती है, लेकिन मैं कम अज कम बड़ी जिम्मा हो जाऊंगा कि मैंने बताया कि मैं उस वाले उस्ताद से ये खबर आपको देंगे। तो इस चीज का जो है ना वो सिर्फ मिसाल से समझे, क्या मिसाल, वही जो मैंने आपको बताई कि अलमारी में आप अपने कपड़े ही अगर इकट्ठे करके कचरी बना के रख दो, उसको मैनेज करना मुश्किल है। हाँ, जो कायदा तरतीब से सिखाए गए तरीके से रखे हैं उसको मैनेज करना ईजी है। सेम इसी तरह कोई भी इलम है, कोई भी हुनर है, वो किताबों से लेकर गठरी बना के रख देना वो ठीक नहीं है, बल्कि उसको कायदा टीचर ने जैसे पॉलिश किया हुआ है वैसे पॉलिश करके। अच्छा, एक चीज ये आ गई, दूसरी चीज क्या है, नहीं दूसरी पे जाने से पहले इसमें एक और चीज हम ऐड करते हैं, यही चीज बच्चों के लिए सबक याद करने के लिए, जब वो पढ़ना शुरू करते हैं जी, एक चैप्टर हमने पढ़ लिया फिर आगे चले गए इसको पढ़ लिया, फिर आगे चले गए इसको पढ़ लिया, ऐसा नहीं करें, बल्कि उसके भी आप खूबसूरत तदवीर बनाए। क्या बनाएंगे, आपने एक चैप्टर पढ़ लिया उसको बड़े अच्छे से जबरदस्त तरीके से पक्का करें, यानी वो उसको आपने पहले ही
प्रेस किया, पॉलिश किया, उसको संभाला, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाए। उससे क्या होगा कि जब भी आप देखेंगे आपको वो जबरदस्त रेडी टू यूज होगा, लेकिन जब इतनी चीजें पढ़ के गठली बना के रख दी तो वो रेडी टू यूज नहीं। मेरा ख्याल है मैं पॉइंट जा सकता हूँ, टाइम है नहीं, बहुत ले लिया आपका तो पॉइंट। चलो अल्लाह करे अगर समझा आगे, या ना मैं क्या समझाना चाह रहा था तो बहरहाल मैंने समझा दिया। ये आज की टीम ब्रेक में था, और टीम ब्रेक में शायद मैं भी थोड़ा सा, वो कहते हैं ना पंजाबी का मामला तो हक दो तरगोता लड़ता है, मैं भी अभी टी ब्रेक में इंतजार ही कर रहा हूँ। ठीक है तो चले। अच्छा इसके बाद दूसरी जो बात, कुछ तो बर्दाश्त, अब कुछ तो बर्दाश्त किया करेंगे। खुद इर्द गिर्द में देखें यार, इर्द गिर्द में देखें कैसे बर्दाश्त करें, क्या क्या बर्दाश्त का है, कितना बर्दाश्त का है। इसकी भी अगर मैं कोई मिसालें देने बैठ गया टाइम बड़ा लंबा हो जाएगा, फिर तो बात भी आ जाएगी इतना टाइम तो दे। चले एक छोटी सी मिसाल पे इसको बात, बच्चे ना जिद करता, हम भी थे बच्चे, हम भी जिद करते थे, सब तो बच्चे जिद करते हैं, तो उस जिद का क्या करना चाहिए ये कुछ। अच्छा फिर 5, 10, 15, 20 मिनट बाद उनको जिद का पता भी नहीं होगा क्या किया। अच्छा कोई भी आपके ऊपर पूरा कमेंट करके चला जाता है, आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी उसके ऊपर किसी वीडियो के ऊपर, या आप तो वैसे कपड़ों के ऊपर कोई कमेंट करके चला जाता है, क्या क्या। अच्छा चले उसको भी छोड़े, आप जो है वो गुजर रहे हैं रस्ते से, रस्ते से गुजरते हुए किसी ने आपके पास छू करके गाड़ी निकाली या बाइक निकाली, तो क्या करेंगे आप। काफी सारी चीजें बर्दाश्त करने से, तो बर्दाश्त करने से होगा क्या, किसी का फायदा, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका फायदा, एक फायदा, बहुत सारे फायदे, सबसे बड़ा और मेन फायदा क्या, आप टेंशन से, वो तो गुजर गया गाड़ी वाला। अगर उसको हम जेन पे सवार कर लेंगे, टेंशन है और बड़े नुकसान है, बर्दाश्त किया एक आधे सेकंड मिनट बाद, कोई भी मिसाल है बर्दाश्त कर, ठीक है। पर सिर्फ यही नहीं, लंबियों को बर्दाश्त करना सीखें, हालात को बर्दाश्त करना सीखें, दोस्तियों को बर्दाश्त करना सीखें, दुश्मनियों को बर्दाश्त करना सीखें, रिश्तेदारियों को बर्दाश्त करना सीखें। किसी की क्या मिसाल है, हम खुद भी अक्सर ऐसा ही होता है, किसी की छोटी सी बात से हम दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और बर्दाश्त को बैठते हैं, लेकिन ये बर्दाश्त करना सीखना हो, लड़ाई नहीं सीखेंगे ना अपना ही नुकसान करेंगे, किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ते। आखिरी बात, वो ऐड नहीं थी, अभी ऐड करते हैं, हमारा हौसला बढ़ाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमने ये टेस्ट केस टी ब्रेक शुरू किया, पर टेस्ट ब्रेक का जो मैंने जो है टेस्ट टी ब्रेक का टारगेट रखा हुआ है वो कम से कम 100 एपिसोड का, मैं 100 एपिसोड के बाद एनालिसिस करूंगा कि ये पसंद आई चीज या नहीं पसंद आई। कुछ लोगों ने तो मुझे अभी से कह दिया कि नहीं ठीक, लेकिन वो इसलिए नहीं ठीक, रोज ही एक पैटर्न चाहता है, लेकिन हम पैटर्न बदलेंगे थोड़ा सा इसको, कैसे, हम फन भी देंगे इसमें, हम इसमें न्यूज भी देंगे, हम कुछ नसीहतें भी शेयर करेंगे, हम कुछ इसमें इलम की बातें भी शेयर करेंगे, हम कुछ इसमें आप कह लें अपने जिंदगी के तजर्बात भी शेयर करेंगे, ज्यादातर जिंदगी के तजर्बात शेयर करेंगे। ये टी ब्रेक का मकसद ही यही है, और ब्रेक में होता ही यही है, हर कोई यही बात करता है कि यार मैं कल उस जगह पे गया तो ये बना, हो गया तो ये बना, कल मैं मार्केट में बल्कि इसी तजर्बे से मुझे याद आया कल तो 2 चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है, अगर याद नहीं तो डिस्कस करेंगे, नहीं याद रही तो, जैसा कि मैच की हमने लास्ट वीडियो में बात की थी तो देखा आपने, फिर मैच का वो नहीं हुआ जो होना था, क्या हुआ,
जो मेहनती टीमें होती हैं जो डिजर्व करती हैं फाइनल उन्हें ही खेलना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर देम, खुद अपना भी ख्याल रखिएगा। एंड पे वही करते हैं यार, लाइक किया करें, फ्रेंड किया करें, सब्सक्राइब। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट टीम।